अगर इस प्रकार से दोबारा मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री हरियाणा के अंदर आएगा तो हम दिल्ली चंडीगढ़ के अंदर जाकर उनका घेराव करेंगे। नहीं, किसान ने भी मन बना लिया है कि हम आज तक जब प्रशासन का साथ देते थे अभी हम उसको गांव के अंदर भी बाइकट करेंगे और जहां भी प्रशासन अपनी चलाएगा वहां चलने नहीं देंगे, किसान अपनी चलाएगा। हिसार कांड के बाद गुस्साए किसानों ने अब सीएम खट्टर और डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला को ऐसी चेतावनी दी है जिसे सुनकर सरकार की धड़कनें बढ़ जाएंगी। जींद के खटकड़ टोल पर धरना दे रहे किसान नेताओं ने एक सुर में ये फैसला लिया है कि अब सीएम और डेप्यूटी सीएम को किसी भी सूरत में हरियाणा की धरती पर पैर रखने नहीं दिया जाएगा। किसानों ने ऐलान करते हुए कहा कि अगर खट्टर और दुष्यंत ने फील्ड में उतरने की हिमाकत भी की तो इन दोनों का घेराव चंडीगढ़ में होगा, जिसके बाद दोनों का चंडीगढ़ में भी बैठना दूभर हो जाएगा। भाई देखो, कल मुख्यमंत्री ने आना था और मुख्यमंत्री भी जो टाइम दिया था 1 बजे, लेकिन हिसार का प्रशासन किसानों का विश्वास हासिल नहीं कर पाया, जो यही कारण रहा है वहाँ का। तो लोगों किसानों को गुमराह किया गया और किसान नेते किसानों पर लाठीचार्ज किया गया। इस घटना की हम कड़े शब्दों में निंदा भी करते हैं और प्रशासन को चेताना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री को ये संदेश भिजवाए हमारे माध्यम से कि दोबारा आने की चेष्टा ना करें। अगर इस प्रकार से दोबारा मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री हरियाणा के अंदर आएगा तो हम दिल्ली चंडीगढ़ के अंदर जाकर उनका घेराव करेंगे। तो ये विरोध अब टोल प्लाजा से चंडीगढ़ की तरफ जाएगा अगर ऐसा हुआ? अगर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अपने हरकतों से बाज नहीं आए, क्योंकि किसान संगठनों ने भी और खाप पंचायतों ने फैसला है हमारा कि किसी भी जेजेपी या बीजेपी के किसी भी नेता को, चाहे मुख्यमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, हरियाणा के अंदर नहीं घुसने देंगे जब लगे किसान आंदोलन चल रहा है। इसलिए हमारी स्पष्ट शब्दों में चेतावनी है कि हम चंडीगढ़ के अंदर भी इनको चैन से नहीं बैठने देंगे और अगली रणनीति अगर ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो हमारा चंडीगढ़ घेराव हो सकती है। इतना ही नहीं, हिसार में किसानों और पुलिस के बीच हुए टकराव से भड़के किसानों का गुस्सा अब पुलिस प्रशासन पर भी फूट सकता है। किसान नेताओं का दो टूक कहना है कि हिसार की घटना पुलिस की नाकामी है, ऐसे में आने वाले दिनों में प्रशासनिक अधिकारियों को भी गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा और उनका भी डटकर विरोध होगा। देखिए, आने वाले टाइम में किसानों का इस सरकार के खिलाफ एक रुख बन चुका है, क्योंकि आज तक हमारी लड़ाई शासन से थी, प्रशासन से नहीं थी। अभी किसानों के अंदर भी एक रूप पैदा हो गया कि कहीं न कहीं ये प्रशासन भी उनकी चाल में आके अपना प्रमोशन चाहने के लिए लगातार किसानों के ऊपर दबाव बनाने का काम कर रहा है। और किसान के ऊपर जितना दबाव चाहे शासन बनाए चाहे प्रशासन बनाए, उतना ही किसान मजबूत होकर लड़ेगा, क्योंकि किसान जो हमेशा मुकाबले से मजबूत होता है, मुकाबला किसी को कमज़ोर नहीं करता। मुकाबला करने के लिए किसान के बच्चे थे, इनको चाहिए था कि सरकारी आदेश माने। जब मुख्यमंत्री वहाँ से चला गया था, क्या जरूरत थी किसानों के ऊपर बर्बरता पर लाठीचार्ज करने की? क्या जरूरत थी आंसू गैस की? ये एक प्लानिंग थी। एक DSP है जो जिसका नाम अभिमन्यु है और एक SP है यादव, उनकी वजह से इन किसानों के खिलाफ जितनी उनकी प्लान थी, पहले से सरकार चाहती है किसान का आंदोलन खत्म हो, लेकिन किसान मजबूत होगा। किसानों ने बता दिया कि हम प्रशासन से भी सचेत रहेंगे और शासन से तो है ही, शासन जितना तंग करेगा प्रशासन भी उतना तंग कर देगा, लेकिन हम अपने पीछे नहीं हटेंगे और आखिरी दम तक, जब तक ये लड़ाई हमारी काले कानून वापसी MSP में गारंटी नहीं बनती, किसान उठेगा नहीं। किसान ने भी मन बना लिया है कि हम आज तक जब प्रशासन का साथ देते थे अभी हम उसको गांव के अंदर भी बाइकट करेंगे और जहां भी प्रशासन अपनी चलाएगा वहां चलने नहीं देंगे, किसान अपनी चलाएगा, किसान शासन और प्रशासन का बाइकट। सीएम और डेप्यूटी सीएम के खिलाफ ऐलान जंग करते हुए किसान नेताओं ने एक बार फिर से साफ कह दिया है कि किसान आंदोलन मरते दम तक खत्म नहीं होगा। किसानों ने कहा कि अब उनके सब्र का बांध टूट रहा है, अगर सरकार ने इस आंदोलन को तोड़ने के हथकंडे अपनाए तो सरकार के लिए उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जींद से अनिल कुमार, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।